subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को कोई कोई पवित्र एकादशी कहता है और कोई पुत्रदा एकादशी के नाम से इसको बहुत लोग कहते हैं और इसकी पूजा होती है। यह एकादशी व्रत 11 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है और पुत्रदा के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के वंदन कीर्तन में बितावें तथा रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निःसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में एक कथा है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। इसी से राजा अत्यंत दुखित थे। एक बार राजा ने अपने राज्य के समस्त ऋषियों को बुलाया तथा संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर परम ज्ञानी लोमस ऋषि ने बताया कि आपने पिछले सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी पीने से हटा दिया था। उसी के श्राप से आपके कोई संतान नहीं हो रही है, इसलिए आप सावन मास की पुत्रदा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए। तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा।